Mr. Rajat Pawar. So the controversy begins now. One eternity later. स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, जैसा कि आप सबको पता है मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मेरे 5 चैनल हैं, मैं 6 साल से वीडियो बना रहा हूँ और उसके बावजूद अगर कोई मुझे रोस्ट ना करे तो कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान इंटरनेट पे इतना ज्यादा एक्टिव हो और वो कोई गलती ही ना करे। ना नक्को बिल्कुल नहीं, पर मेरे ऊपर बहुत सारी रोस्ट वीडियो बनी है जिसमें से 90% में बहुत सारी गालियां हैं। पर इनसे मिलिए, ये है लक्ष्य चौधरी जिन्होंने मुझे अपना लक्ष्य बनाया है, वो भी बिना गालियों के। चलो यार अब अपने टाइटल से रिलेटेड भी बातें कर लेते हैं, जिसके लिए टाइटल रखा गया है मिस्टर रजत पवार। भाई रोस्ट करने आया या लगान मांगने, ये कौन सा एसेंट है? मिस्टर रजत पवार 3 गुना लगान देगा। इंडिया में एक्स टिकटॉकर क्या बन सकता है यूट्यूब पे आगे? रोस्ट है भाई। आप एक काम करो, तुतला लो पहले आराम से, मैं वेट कर लेता हूँ रोस्ट का। बाकी मैंने सीधे रोस्टिंग नहीं चालू कर दी थी टिकटॉक से यूट्यूब पे आके, मैंने पहले व्लॉगिंग करी थी, जैसे आपने पहले वाइन करी थी एलविश यादव को देख के, मैंने व्लॉगिंग चालू करी थी। पर लॉकडाउन लग गया तो व्लॉगिंग मुझे पॉसिबल नहीं लगी, तो मैंने रोस्टिंग ट्राई करी और जो की ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आई तो फिर वही कंटिन्यू कर ली। सो द कॉन्ट्रोवर्सी बिगिंस नाउ। यार कितने कॉन्फिडेंस से बोला था यार उसने कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही, सॉरी यार भाई डिसअपॉइंट करने के लिए। मेरे उस वक्त व्यूज अच्छे आ रहे थे ना, तो मैंने किया नहीं फिर उस वक्त रिप्लाई। अब 2 साल बाद याद आई है मुझे, ठीक है अब करते अब करते। तो अगर रजत के करियर को काफी क्लोजली देखा जाए यूट्यूब पे, तो उसका करियर टिकटॉक से लेके टिकटॉक पे खत्म हो जाता है। रजत भाई अगर टिकटॉक ना होता, जिसको आप रोस्ट कर रहे हो, अगर टिकटॉक ना होता तो आपका करियर भी उतना ही बड़ा होता जितना कि आपका IQ। 100% एग्रीड भाई, मैं खुद मानता हूं अगर टिकटॉक ना होता तो शायद आज ही मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा होता, मेरे पिताजी भी अभी भी काम कर रहे होते। पर टिकटॉक की वजह से मुझे वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस आया, फिर हमने यूट्यूब पे ट्राई किया और अभी हम इनफ अर्न कर पा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। मतलब मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं टिकटॉक का। बाय द वे भाई आपका IQ भी उतना ज्यादा नहीं होगा जितनी आपने टिकटॉकर्स के साथ कॉन्ट्रोवर्सी कर ली है। मतलब टिकटॉक अगर ना होता तो सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं जिसका करियर इफेक्ट होता। भाई अगर ये सुनियो है ना तो मैं भी भारत के जंगलों में विलुप्त हो रहा हिम तेंदुआ हूँ। सुनियो क्रिंज है मैं मानता हूँ, वो कहीं से सुनियो नहीं लगता, मैं वो भी मानता हूँ, पर अगर वो मेरी ऑडियंस को पसंद है तो मानो या ना मानो वो सुनियो ही है। पर ये हिम तेंदुआ जंगल में कब से रहने लगे? वो तो हिम में रहते हैं ना, इसीलिए तो उन्हें हिम तेंदुआ कहते हैं। इसका IQ भी लगता है तेरे ही बराबर है रजत। अबे इसको सार्कास्म में बोलते हैं, तेरे को समझ नहीं आता कि ऑफेंड हो जाता है? हाँ आप बोलो लक्ष्य भाई। और इतना बेसिक बैकग्राउंड म्यूजिक मत लगाया करो यार वीडियोस में, अरे कुछ तो मेहनत कर लो सरकार, सारी मेहनत एजेंसी नहीं करती। यार शुरू शुरू में ना किसी को भी बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह का आइडिया नहीं रहता, वो धीरे धीरे सीखते हैं सब। और अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो ये मेरे भाई 2019 वाले लक्ष्य चौधरी से पूछ लो। आप ब्रेकफास्ट में गू खाते हो क्या जी? आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। शर्म कर, उसके पास शुरू से कैमरा है, वो मोबाइल से वीडियो नहीं बनाता। और देख उसका बैकग्राउंड भी कितना अच्छा है, तू कहाँ कंस्ट्रक्शन में बैठ गया है मजदूर। अबे मैं तेरे सर के ऊपर बैठकर बनाऊंगा और मैं मुंह में चांदी की चम्मच लेके थोड़ी पैदा हुआ कि शुरू में ही सब कुछ कर दूं, सीख रहा हूं धीरे धीरे। बाकी मेरे को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि इन सब चीजों का बिल्कुल मैटर ही नहीं हुआ कभी, ऑडियंस ने मुझे सीधा पसंद किया कि भले कहीं भी बना रहा है कैसी भी एडिटिंग है, वीडियो पसंद आ रही है हंसी आ रही बात खत्म। रजत पवार की वास्ट वैरायटी के कंटेंट में से एक कैटेगरी BTS हेटर्स का रोस्ट भी है। मतलब कि BTS वालों को इंडिया में डिफेंस के लिए रजत पवार की जरूरत पड़ रही है, ठीक वैसे ही जैसे खबीब को रेसलिंग सीखने के लिए मेरी जरूरत पड़ सकती है। BTS को मेरी जरूरत नहीं थी पर मेरी ऑडियंस को थी। मेरे को जो लोग टैग करके बोलते थे कि प्लीज BTS हेटर्स को रोस्ट करो तो मैंने उनके डिमांड पे कर दिया। और लक्ष्य भाई यार तुम तो खुद क्रिएटर हो, तुम्हें बात पता होनी चाहिए कि जब एक क्रिएटर वीडियो बनाता है तो वो ऑडियंस के लिए बनाता है, वो किसी और क्रिएटर के लिए या किसी सिंगर के लिए किसी आर्टिस्ट के लिए नहीं बनाता है। कि BTS मेरी वीडियो देखने थोड़ी आएंगे, उन पे समय थोड़ी है इतना। वैसे ऐसे देखा जाए तो कृष्णा वर्सेस MEVA में कृष्णा को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत थी क्या? पर सबके ओपिनियन है, दे सकते हैं इंटरनेट। तो कभी कभी सिंपिंग के चक्कर में रजत भाई BTS को रोस्ट करने वालों को कुत्ता बोल देते हैं। चलो भाई बिल्कुल ठीक बात है, रोस्ट करने वाले कुत्ते हैं, लेकिन आपने भी तो रियाज और ब्यूटी खान पे 5-6 वीडियोस बनाई हैं, इसका मतलब तो आप भी यार छोटे मोटे पप्पी तो हो ही यार। हाँ भाई अगर तुम रियाज और ब्यूटी खान को BTS से कंपेयर कर रहे हो तो बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट था हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार वो वाला, बाकी पप्पी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, पप्पी तो क्यूट होते लॉयल होते, बिल्कुल ऑफेंड नहीं होगा। एडिटिंग की बात भी कौन कर रहा है भाई, जिसके थंबनेल कम और फोटो कोलाज ज्यादा लगता है। अरे रे रे, ये उम्मीद नहीं थी लक्ष्य भाई, ये तो गलत बात है। मतलब जब तुमने वीडियो बनाई तब के रिसेंट थंबनेल दिखाने थे, ये 4 महीने पुराने क्यों दिखा रहे हो? बाकी हाँ मेरी गलती है कि मैं जितना चैनल ग्रो कर रहा था उस हिसाब से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था वहां पे क्वालिटी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था एडिटिंग सीखने के लिए और मैं थंबनेल के लिए आर्टिस्ट ढूंढ रहा था। और मेरे को जब से मिला है तब से तो मेरे थंबनेल काफी अच्छे हो गए। उस समय पे दिक्कतें काफी सारी थी, चैनल चलाना था, जॉब थी, कॉलेज था और साथ में जिम भी चल रहा था, तो इतनी सारी चीजों में टाइम नहीं मिल पा रहा था। बाकी हाँ मेरी गलती थी, उसको मैं फुली
एक्सेप्ट करता हूँ, पर एटलीस्ट मैं थंबनेल जैसे तैसे कोलाज बनाने में मेहनत तो कर रहा था। लच्चे भाई तुम तो सीधे स्क्रीनशॉट डाल देते थे वीडियो का। टाइटल में जोमेटो कंट्रोवर्सी लिखा है, पीछे निब्बू मिलेंगे क्या लिखा है, इसमें क्या समझे इंसान? जोमेटो की कंट्रोवर्सी है, रोस्ट वीडियो है, या फिर पड़ोसी करोड़ का निब्बू मांगने आया है? रजत पवार नॉन अब्यूसिव कंटेंट क्रिएटर है, इनको इस बात पर घमंड है, लेकिन साथ में बॉडी शेविंग कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। अरे अरे फूटी जवानी के टूटे चावल के दाने जैसे अंकल, ये शरीर में से शिमला मिर्च क्यों निकाल रहे? वो शरीर भी तुम्हारा फूकी हुई बीड़ी जैसा है, शक्ल ही चोर जैसी है तुम्हारी, ऐसे बकरे जैसी शक्ल लेके वैसी हरकतें करके उसको इंप्रेस करने जा रहा है सर। सबसे पहली बात, बॉडी शेमिंग में गलती से कर देता था, उस समय मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये बॉडी शेमिंग में आ गया ये सब, तो उसके लिए तो मैं शर्मिंदा हूँ, माफी मांगता हूँ दोस्तों। पर मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कि ये चीज मैं इंप्रूव करूँ और जितना हो सके मेरे को समझ आए कि ये बॉडी शेमिंग नहीं है। बाकी बात रही गाली देने की, तो उसमें मैं बिल्कुल भी प्राउड नहीं हूँ, वो बहुत एक नॉर्मल सी चीज है, एथिक्स होते हैं अपने, और इसको कोई ग्लोरीफाई करने जैसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा काम कर दिया, गाली ना देके बता, मैं इसलिए देता हूँ ताकि ऑडियंस निश्चिंत होकर वीडियो देख ले। अबे यार ये रजत पवार की वीडियो करके तुम फ्लश भी नहीं करते? पर लक्ष्य भाई जब मैं तुम्हारे घर आया ही नहीं तो मेरा कंटेंट वहाँ कैसे पहुंचा? ध्यान से देखो, तुम्हारा ही कंटेंट होगा। बाकी शुरू में तो मुझे लग रहा था लक्ष्य भाई ने जो प्रमोशन का प्रोडक्ट खाया था वो हजम नहीं हुआ। हाँ हाँ भाई बीनट कटर। अच्छा तुम्हें एक बात पता है, रजत के नाम की स्पेलिंग में सी का मतलब क्रिएटिव है, एफ का मतलब फनी है, और वी का मतलब वैल्यूएबल कंटेंट है। अरे हाँ हाँ, बच्चों का मेले से चुराया हुआ चश्मा पहन के लक्ष्य भाई ने कुछ बोला है, फनी तो जरूर होगा। दो मिनट हंस लेता हूँ। बाकी अगर इस सेंस में देखा जाए तो लक्ष्य भाई के नाम में टी तो है ही नहीं, टी तो होना चाहिए। वैसे तो भाई अगर इंस्टाग्राम यूट्यूब की कोई पॉलिसी होती ना कि लगातार 3 अनफनी वीडियो डालने वाले का अकाउंट डिलीट कर देंगे, तो तुम आज के टाइम पे सोशल मीडिया में है की जगह थे हो जाते। भगवान की कृपा से भाई मैं तो थे नहीं हूँ, अभी भी हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पे तुम्हारे बायो पे क्या लिखा है भाई, है कोई सी तो पॉलिसी है इंस्टाग्राम की जो वर्क कर रही है? रजत इतना मेहनती लड़का है कि अपने वीडियोज में लाफिंग इफेक्ट भी खुद से डाल देता है, जिससे कि देखने वाले को पता चल जाए कि हंसना कहाँ पे है। बहुत केयर करता है यार ये अपनी ऑडियंस की। प्लीज मेरे घर वालों को बता दो कि तुम लोग भी 1-2 बजे तक जागते हो, मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ पे हंसना था पता चल गया मुझे भाई, पर मुझे नहीं पता लग रहा कहाँ हंसना है, तो प्लीज तुम भी अपनी वीडियो में डाल दिया करो ताकि हमें भी थोड़ा हंसने का मौका मिल जाए। बाकी ये साउंड इफेक्ट मैं इसलिए डालता हूँ ताकि ऑडियंस को ऐसा ना लगे वो अकेले हंस रहे हैं। ये उसी प्रकार से वर्क करता है जैसे कपिल शर्मा के शो में फेक ऑडियंस की लाभ वर्क करती है। अगर आप पूरी जिंदगी में एक भी लड़की नहीं पटा पाए तो आपका जीवन बेकार है, मैं तो मैं दूसरा जन्म लूंगा। इतनी जल्दी थी रिएक्शन शूट करते वक्त हंसने की लक्ष्य भाई को कि मेरी वीडियो शुरू भी नहीं हुई उससे पहले हंसने लगे। बेचारे रचित का काम बढ़ा दिया, आधी वीडियो बीच में चली है मेरी। बट ऑन अ सीरियस नोट यार, रजत बहुत टैलेंटेड लड़का है, क्योंकि अनफनी के साथ क्रिंज होते हुए भी सोशल मीडिया पे सर्वाइव कर गया। टैलेंट तो लगता है यार इस काम में भी। भाई सही बताऊं तो इसमें टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी लगती है, और आपको मेरी वीडियो अनफनी लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट है सबका अलग अलग होता है। पर सोचने की बात यह है कि मुझे पता है कि मैं किस ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहा हूं, और अगर सब एक ही जैसी वीडियो बनाएंगे तो जो ऑडियंस मेरी वीडियो देखती है वो कहां जाएगी बताओ? बात तो सही है। ये तो सच में गरीब निकला, इसके पास तो कपड़े भी नहीं है, पर ये सुंदर कैसे हो गया? सुंदर कैसे हो गया भाई? दूध सी सफेदी निर्मा से आए, निर्मा से ना आए। हे भगवान, उस समय पे मैं इतना गधा था कि मेरे को सिर्फ वो निर्मा वाली लाइन मारनी थी, उसके चक्कर में रेसिस में रिमार्क दे दिया मैंने, मुझे समझ ही नहीं आया। तो सॉरी दोस्तों, शुरू शुरू की बात थी, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ और इम्प्रूव करने के लिए, तो सॉरी। जैसे कि मैंने कहा, रजत भाई इतने टैलेंटेड है कि कैरी की वीडियोस देखते ही एक ही दिन बाद रोस्टर बन गए। अच्छा हुआ भाई ने राजकुंद्रा की फिल्में नहीं देखी। और लक्ष्य चौधरी इतना टैलेंटेड है कि उसने रोस्टिंग चैनल चालू करने से पहले कैरी की वीडियो तक नहीं देखी, क्योंकि देखी होती तो फनी रोस्टर होता ना। रजत की आधे से ज्यादा रोस्ट वीडियोस टिकटॉक और लिपसिंग इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर है, लेकिन रजत खुद भी पार्ट टाइम वही सब करता है। रजत भाई तुम अपना नाम बदल के आयरनी पवार क्यों नहीं रख देते? भाई मैं रख लूंगा, पर प्लीज वो पवार मत बोल, वो रजत पवार है, रजत पवार नहीं है, उसमें एन नहीं है बीच में। बाकी बात रही लिपसिंग वीडियोस की, तो वो मैं पेड प्रमोशन करता हूँ, वैसे ही जैसे आप टेम्पटेशन आइलैंड और प्लेग्राउंड पर वीडियो बना के उनको ही प्रमोट कर देते हो, सेम वैसे ही। रजत अपनी वीडियोस में बिल्कुल गाली नहीं देता, एकदम संस्कारी है, इवन आलोक नाग खुद आके इनके पैर छू के जाता है। लेकिन रजत भाई बॉडी शेमिंग तो गाली से भी ज्यादा डेंजरस है, गाली मुश्किल से इंसान के दिमाग में 2 दिन टिकती है, पर बॉडी शेमिंग तो 2 साल तक मेंटल हेल्थ पे असर डालती है। कितना गधा हूं मैं, कितनी बॉडी शेमिंग करी है मेरे को याद भी नहीं है, उस वक्त ना समझी मैंने। सारी वीडियो प्राइवेट कर दूंगा भाई अगर किसी की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। बाकी हाँ मेरी गलती है, मैंने बॉडी शेमिंग कर दी गलती से, और मैं अब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि गलती से भी ऐसी गलती ना हो जाए। बाकी गाली देना तो कभी जस्टिफाइड ही नहीं हो सकता, क्योंकि किसी इंसान की गलत हरकतों की वजह से उसकी माँ बहन को गलत गलत बोलना, गंदा गंदा बोलना बहुत ज्यादा गलत है। बाकी हाँ भाई, आई फुली एक्सेप्ट माई मिस्टेक कि मैंने अगर बॉडी शेमिंग करी है तो वो गलत बात है, किसी की मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी एपोलोजेटिक, गलत इंग्लिश है पर भावनाएं सही है। अब यार इसके काउंटर रिप्लाई में ना
कोई 1.5-2 साल पुरानी वीडियोस मत उठा के ले आना हमारी। लक्ष्य भाई को बात टिकटॉक ऐप की करनी होती है जिसको बैन हुए हुए 3 साल हो गए, पर लक्ष्य भाई की 1 साल पुरानी वीडियो मत उठाओ। ना नक्को, बिल्कुल नहीं। हाँ भाई, लक्ष्य भाई नहीं उठा रहा, टेंशन मत लो। बस एक ही उठाई थी, वो एग्जांपल के लिए थी बस। यार कुछ कुछ नया फ्रेश करेंगे, या तो आगे डायरेक्ट रिप्लाई कर लेंगे, नहीं तो ये सबलिमिनल गेम नहीं चाहिए यार मेरे को वो स्टोरी पे कि डार्लिंग सालों को तरक्की से जलाएंगे। नहीं यार, ना तू शाहरुख खान है ना मैं, ना बनने वाली। मैंने अपने इंस्टाग्राम के बायो में यूट्यूबर तक नहीं लिखा है, इंटरनेट के खेत की इतनी छोटी मूली मानता हूँ मैं खुद को, शाहरुख खान मानूंगा मैं। बाकी जो तरक्की वाली रील्स होती है वो सिर्फ ट्रेंडिंग होती है इसलिए बना देता हूँ, और ये वीडियो सिर्फ फन के लिए थी, बुरा ना माने किसी को अगर बुरा लगाओ। बाकी मेरी जितनी भी गलतियां रोस्टिंग वीडियोस मेरे को बताती हैं, मैं उन सबसे सीखने की कोशिश करता हूं, और मुझे क्रिटिसिज्म बिल्कुल अच्छा लगता है जब तक उसमें मां बहन की गंदी गंदी गालियां नहीं है। और जितनी भी मैंने गलतियां करी है वो मैंने सीखने में करी है, और अभी भी मैं सीख ही रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि एक टाइम आए जब बुराई ना हो। वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बुराई तो सिर्फ मरने के बाद ही खत्म होगी, क्योंकि जमाना इतना खराब हो गया कि अब मरने के बाद भी नहीं पीछा छोड़ता। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। मम्मी चलो पड़ोसी पर केस करें, बचपन से बॉडी शेमिंग झेल रहा हूँ उसकी। क्या मतलब, प्यार से सुकड़ा बोलती है।